अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 9th क्लास उर्दू पेपर का मुकम्मल पैटर्न बताएंगे। इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपके पेपर में कितना चॉइस है और कितना चॉइस पेडल बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 9th क्लास, सबसे पहले तो आपको पता है पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ का। तो आपको पता है आपके एमसीक्यूज़ आते हैं 15 एमसीक्यूज़, 20 मिनट में आपने करने होते हैं। उनमें कोई चॉइस नहीं होती, आपको हर एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। आपके पास 15 एमसीक्यूज़ होंगे और 15 के 15 करने होंगे। इसका जो एमसीक्यूज़ सिलेबस है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ आपके सामने शो करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने हिस्से नसर का। नसर के आपको दिए हैं 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से 7 लाजमी हैं और 8वां क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ चॉइस है, बाकी कोई चॉइस नहीं है। यानी कि सिर्फ 8वें क्वेश्चन में चॉइस है कि 2 हिस्से दिए हैं, उनमें से आपको एक करना होगा। अगला है हिस्सा शेयर है। हिस्से शेयर में आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5ों के 5 आपको करने होते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन लाजमी हैं और 5वें क्वेश्चन में जिस तरह के हिस्से अलफ़ में था, इस तरह इसमें भी एक ऑप्शन है 5वें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ। यानी कि आप 4 क्वेश्चन लाजमी करेंगे और 5वें क्वेश्चन में ऑप्शन है कि पहला हिस्सा करो या दूसरा। इसी तरह हिस्से जीम यानी कवायद में आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और 4ों के 4 आपको करने होते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन लाजमी हैं, 4थे क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है पहला हिस्सा या दूसरा हिस्सा करें। हिस्से सोम में आपके पास 2 पैराग्राफ दिए होंगे इबारत, उनमें से एक की तशरीह आपको करनी होगी। ये तो तकरीबन वही पुराना पैटर्न है कि 2 पैराग्राफ दिए जाते थे और उनमें से आपको एक को तशरीह करना होता था। अभी भी वही इसका पैटर्न वही है। क्वेश्चन नंबर 4 है अशआर की तशरीह करनी। तो आपके पास 6 अशआर दिए हैं, इनमें से 3 अशआर ऊपर, 3 में से 3 नीचे या थोड़ा साइड पे लिखा हुआ है। तो आपको इन तीनों में से यानी कि 2 आपके हिस्से हैं, उन दोनों में से किसी एक हिस्से की तशरीह आप करेंगे, 3 अशआर ऊपर वाले या 3 नीचे वाले या थोड़ा आगे लिखे, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 है गज़लिया जुज़ की तशरीह। तो इसमें भी आपको 2 जुज़ दिए हुए हैं, इनमें से एक जुज़ की तशरीह आपको करनी होगी, गज़ल की अशआर हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं एक पुराने कोट की आप बीते लेकिन या काले स्कूल में मनाकद यौम आज़ादी तकरीब की रुदात लेकिन, यानी कि आपको आप बीती भी आएगी रुदात, इनमें से आपको एक करना होगा, इसमें भी चॉइस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अखबार मुदीर के नाम पर एक तहरीर लिखकर भेजें। तो इसमें कोई चॉइस नहीं, ये एक ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।